नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली खबर यहां पे निकल के आ रही है, टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट शीला वेंकट रत्नम ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इस बात की जानकारी उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर करके दी। दोस्तों उन्होंने बताया कि कंपनी के साथ जो इनका सफर था वो बहुत ही असाधारण था। कंपनी के साथ में काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 11 साल से कंपनी के साथ में जुड़ी हुई थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट शेयर करके अपने इस्तीफे के बारे में बताया है लोगों को। दोस्तों अभी के टाइम में जो डेटिंग एप्स है उनका यूज काफी ज्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे यूजर्स हैं जो डेली रूटीन में इन्हें यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें यूज करते हुए थोड़ा सा कॉशियस रहने की भी जरूरत है, क्योंकि इन पर स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे ही मामले कुछ दोस्तों मुंबई में देखने को मिले। वहां पर स्टार्टिंग में जो फीमेल्स हैं वो बंदों से बात करना स्टार्ट करती हैं, फिर उन्हें एक गॉडफादर क्लब नाम की जगह है वहां पर अंधेरी वेस्ट में, वहां पर बुलाती हैं और महंगी महंगी चीजें ऑर्डर करती हैं, उसके बाद में गायब हो जाती हैं। कई लोगों के वहां पर ऑर्डर 61,000 रुपए तक देखने को मिले हैं। तो इस टाइप की चीजें किसी के साथ में ना हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका यूट्यूब अकाउंट कभी हैक हुआ है? अगर हाँ तो आप ही जान सकते हैं कि कितना पेनफुल होता है। लेकिन दोस्तों अब आपको इस पेन से गुजरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गूगल ने अपना एक नया AI टूल लॉन्च कर दिया है। ये टूल दोस्तों आपको अपना अकाउंट रिकवर करने में बहुत बढ़िया लेवल पे हेल्प करने वाला है। ये आपको डायरेक्ट करेगा कि अब आपको क्या करना है। दोस्तों ये एक चैटबॉट रहेगा और ये आपको यूट्यूब हेल्प सेंटर पे अवेलेबल रहेगा। बताना चाहूंगा ये अभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। गूगल इसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराने का ट्राई कर रहा है। जल्दी डिफरेंट यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया खबर है। और आने वाले टाइम में जो हैकिंग का मामले होते हैं, यूट्यूब अकाउंट हैक हो जाता है, उनको कम करने में काफी बड़े लेवल पर मदद मिलेगी इसमें। दोस्तों व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब आपको अगर किसी से बात करनी है तो आपको अपना फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने यूजर नेम और पिन यूज करके ही अदर लोगों से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये फीचर आने के बाद में आपकी जो प्राइवेसी है उसे स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद मिलने वाली है। दोस्तों टेलीग्राम एक ऐप है, अगर आपने यूज की हो तो उस पर ऑलरेडी ये फीचर है। उस पर आपको व्हाट्सएप से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे अभी के टाइम पे ये फीचर आ गया है और मोस्टली यूजर व्हाट्सएप ही यूज करते हैं इंडिया में। तो इंडियन यूजर्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अभी के टाइम पे ये खाली एंड्रॉइड के बीटा यूजर्स के लिए अवेलेबल है और मास लेवल पे ये कुछ टाइम में आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में आप पिन और अपना यूजर नेम यूज करके अदर लोगों से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे बहुत ही इजीली। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे एप्पल ने चाइना का वापस से रुख किया है। इससे पहले दोस्तों भारत और वियतनाम में एप्पल के डिवाइसेस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसलिए दोस्तों अभी के टाइम पे आईफोन 16 सीरीज के जो डिवाइसेस हैं वो कंपनी ने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि चाइना में कुशल श्रमिक मिल जाते हैं, इनका जो सप्लाई चेन है वो मजबूत है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही बढ़िया बताया जाता है। इस वजह से एप्पल ने वापस से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों एप्पल के इस कदम को चीन के जो इकोनॉमी है उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता बताया जा रहा है। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि कोई फ्लाइट में चढ़ने से पहले खैनी बना रहा हो? ऐसा एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री फ्लाइट के दरवाजे पर खड़ा होकर आराम से खैनी तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास बात यह है कि ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, ये प्राइवेट जेट की है। इस वीडियो पर 200 लोगों ने बहुत ही फनी कमेंट्स किए हैं। कोई बोल रहा है कि जेट को ऑटो बना दिया, कोई बोल रहा है कि जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान है। तो इस टाइप के फनी कमेंट्स इस पर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, तो इंडिया में ये चीजें होती रहती हैं। दोस्तों एप्पल के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। आईफोन 16 सीरीज की रिलीज डेट करीब आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल 10 सितंबर 2024 को अपनी सबसे बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट की योजना बना रहा है, जिसमें आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ में एप्पल वॉचेस और एयरपोर्ट्स को भी लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। तो सब बताना चाहूँगा आईफोन की जो बिक्री है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप भी एप्पल के दीवाने हैं तो ये खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं मनु भाकर की नेटवर्थ की। दोस्तों मनु भाकर भारत की उभरती हुई शूटिंग स्टार हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इंडिया का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। बताना चाहूंगा पहले इनकी जो नेटवर्थ थी वो खाली 60 लाख रुपए ही थी, लेकिन अभी के टाइम पे जो इनकी नेटवर्थ है वो बढ़कर 12 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। दोस्तों बैंकॉक में $1 प्रति रात ठहरने का सौदा भला कौन छोड़ सकता है, लेकिन जब एक अमेरिकी बैकपैकर ने यह डील ली तो उसने जब अंदर जाके देखा तो कुछ अलग ही था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बैकपैकर एक बहुत ही सस्ती एयरबीएनबी में रहने का अपना वीडियो साझा कर रहा है, जिसमें उसने बताया कि ये जो एयरबीएनबी है ये इसने $1 पर नाइट के हिसाब से लिया है।
कमरे में बमुश्किल एक बिस्तर था, एक मच्छरदानी और एक छोटा सा पंखा था। बाहर एक साधारण से रसोई थी, एक बाल्टी शावर का सेटअप था। लेकिन इस सारी सादगी के बावजूद बैकपैकर का कहना था कि उनका ये जो बैंकॉक का पूरा अनुभव था ये एक डिफरेंट लेवल का था। नेक्स्ट बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, टेलीग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के सीईओ पावेल दुरोव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एप्राप मॉडरेशन के कारण टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। वहां के अथॉरिटीज का कहना है इलीगल एक्टिविटीज वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इस चीज के कारण, इसलिए कंपनी के सीईओ को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले दोस्तों रूस में भी इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट की जो कि तन्मय भट्ट के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, तन्मय भट्ट को हम AIIB नॉकआउट से जानते हैं, उन्होंने फिर से सुर्खियां बना ली है। दोस्तों अभी के टाइम पे ये अपनी कॉमेडी के लिए नहीं है बल्कि अपनी फिटनेस के जरिए लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तन्मय ने तकरीबन 50 किलो वजन घटाकर अपने फैंस को चौंका दिया है। उन्होंने हाल ही में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर की और लोग पूछने लगे तन्मय भाई ये जादू कैसे किया। कई लोग तो उनकी तुलना करण जौहर से कर रहे हैं और मजेदार बात तो ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तन्मय ने शायद यूट्यूबर आशीष चंचलानी से चीट कोड लेकर यह बदलाव किया है। उनके फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।